मूवी के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर बाप और बेटे को देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर एलिगेटर्स का शिकार करने के लिए आए होते हैं। काफी देर की कोशिशों के बाद में जब उनसे कोई भी एलिगेटर पकड़ में नहीं आता है तो उसके बाद में उसका बेटा जाकर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। अब टॉयलेट करने के बाद में जब वो बोट पर वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसके पिता को किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन इतने में कोई शख्स उसके पीछे से आकर उस पर हमला करता है और अपने हाथों से ही उसके दो टुकड़े कर देता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर दो फ्रेंड्स को देखते हैं। ये दोनों इस जगह पर घूमने के लिए आए होते हैं। बेन की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद में वो रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर आया होता है, लेकिन जब भी वो किसी भी लड़के को देखता है तो उसे उसकी ही गर्लफ्रेंड याद आती है, जिसके बाद में बेन स्वयं टूर पर जाने का मन बनाता है और उसके फ्रेंड मार्कस के न चाहते हुए भी उसे उसके साथ में जाना पड़ता है। दोनों लोग एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर ये जो आदमी होता है वो स्वयं टूर कराता है, लेकिन वो भी कहता है कि स्वयं टूर को बंद कर दिया गया है क्योंकि वो जगह रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। लेकिन वो आदमी किसी दूसरे शख्स का पता दे देता है जो इनको स्वयं टूर करवा सके। अब दोनों लोग मिलकर दूसरी जगह पर जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को एंड्रयू नाम का शख्स मिलता है जो इन दोनों को स्वयं टूर कराएगा। यहाँ पर दो मॉडल और एक डायरेक्टर भी होते हैं जो इन लोगों के साथ में चलते हुए साथ में वीडियो भी बनाएंगे। अब जल्द ही ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं। वैन में जाने पर हम यहाँ पर कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो इनके साथ में स्वयं टूर पर जा रहे थे। बेन का ब्रेकअप हुआ था इसीलिए वो मैरी बेथ के साथ में थोड़ा फ्लर्टिंग करते हुए चांस मारने की कोशिश करता है। बस अब अपने लोकेशन की ओर चल देती है और काफी लंबे समय बाद में रात हो जाने पर सभी लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में वो सभी एक बोट पर चढ़ते हैं और इसी बोट के जरिए एंड्रयू इन लोगों को यहाँ का टूर कराएगा। अब उनके यहाँ से निकलते समय दूसरी तरफ से कोई बंदा कह रहा होता है कि यहाँ से आगे मत जाओ, आगे खतरा है, लेकिन एंड्रयू उसे सनकी बताते हुए उसे इग्नोर करने के बाद में अब यहाँ से वो चल देता है। अब जैसा कि ये टूर एक स्कैरी टूर है तो फिर एंड्रयू सभी लोगों को डराने की भी पूरी कोशिश करता है। उनके लेक से जाते समय उन्हें विक्टर क्राउली का यहाँ पर घर दिखता है, जिसके बाद में एंड्रयू विक्टर क्राउली की स्टोरी बताते हुए उनसे कहता है कि विक्टर क्राउली जो कि एक बेहद ही बदसूरत डिफॉर्म शख्स था, लेकिन उसके पिता उसे बहुत चाहते थे मगर किसी वजह से उन्होंने उसे हैचेट की मदद से मार दिया और अब उसकी आत्मा पूरे जंगल में भटकती है। मैरी बेथ कहती है कि ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, लेकिन बाकी लोग जो थे वो ये स्टोरी सुनकर थोड़ा तो शॉक हो जाते हैं। अब बोट के कुछ दूर जाने के बाद में वो बोट नीचे से एक पत्थर से टकरा जाती है। बोट उसी जगह पर रुक जाती है और उसके तुरंत बाद में अब यहाँ पर बारिश भी चालू हो जाती है। इस जगह पर ये सभी लोग फंस गए होते हैं और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहे हैं। पहले तो इन लोगों को लगा था कि ये भी शायद टूर का एक हिस्सा है, लेकिन एंड्रयू को भी अब नहीं पता है कि अब क्या करना चाहिए। धीरे धीरे करके बोट पर भी अब पानी भरने लगा है, जिसके बाद में जिम बहादुरी दिखाते हुए पास के पेड़ पर चढ़ के यहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन जब वो पेड़ पर चढ़ता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर ही फंस जाता है। और इतने में एक एलिगेटर भी वहाँ आ जाता है जो उसके पैर को नीचे से पकड़ कर उस पर हमला कर देता है। अब इसी दौरान मैरी बेथ अपनी गन निकाल कर एलिगेटर पर चला देती है और बाद में सभी लोग अब जल्दी से लेक के बाहर निकल आते हैं। अब बाहर निकल आने पर पता चलता है कि एंड्रयू कोई टूरिस्ट गाइड नहीं है बल्कि उसका भाई टूर गाइड है, लेकिन उसके न होने पर उसने पहले एक टूर करवाया था तो उसने सोचा था कि उसने पहले करवा दिया तो शायद इस बार भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन इस बार गड़बड़ हो जाती है। अब इसके बाद मैरी बेथ से पूछा जाता है कि उसके पास में एक गन क्या कर रही है। वो बताती है कि उसके पिता और भाई दो दिन पहले शिकार पर आए थे, लेकिन तब से उनका पता नहीं चला है और वो उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आई है। ये जंगल बेहद ही खतरनाक है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये सभी लोग यहाँ से निकलना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं पता है कि जाना किधर है और साथ में जिम की हालत भी यहाँ काफी खराब है। मैरी बेथ अब इन सभी को विक्टर क्राउली की स्टोरी बताती है। वो बताती है कि विक्टर क्राउली जो कि एक डिफॉर्म चाइल्ड था, उसके पिता उसे बहुत ही प्यार करते थे लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, तो वो उसे छिपा कर ही अपने घर में रखते थे। एक दिन हैलोवीन के दिन कुछ शरारती बच्चे आके विक्टर पर पटाखे फेंक रहे थे मगर उसी दौरान घर में आग लग गई। उसके पिता जब यहाँ पर आए तो आग काफी बढ़ चुकी थी। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे मगर गेट नहीं खुल रहा था, जिसके बाद में एक हैचेट की मदद से वो गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब जब गेट तोड़ते हैं तो ये हैचेट साथ में विक्टर को भी लग जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अभी तक तो सभी का यही मानना था लेकिन सच क्या है ये कोई भी नहीं जानता। अब इसके बाद में सभी लोग यहाँ से निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें यहाँ पर एक शेड दिखता है, सभी रुक जाते हैं। मैरी बेथ कहती है कि ये शेड विक्टर क्राउली का था, हमें अब आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिम की हालत को देख के उसकी वाइफ जिम को उस शेड की ओर ले जाती है। जिम को जल्द से जल्द मदद की जरूरत है तो उसकी वाइफ सोचती है कि शायद यहाँ से कोई मदद मिल जाए। बाकी लोग उन्हें वहाँ जाने से मना करते हैं लेकिन ये दोनों इधर आगे बढ़ते जाते हैं। अब कुछ ही पास जाने के बाद में एक बेहद ही बदसूरत डरावना किस्म का दरिंदा बाहर निकलता है और उसके हाथ में जो हैचेट था उसकी मदद से जिम को काटना शुरू कर देता है। जिम की वाइफ को भी वो बुरी तरह से मार देता है। इसे देखकर सभी लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं मगर जब विक्टर मैरी बेथ की ओर बढ़ रहा था तो वो
गन से उसे शूट कर देती है। मैरीबेथ बाकी लोग के पास में जाके बताती है कि उस दरिंदे ने दोनों को मार दिया, लेकिन मैंने उसे अपनी गन से शूट कर दिया था, तो शायद वो भी अब मर गया है। सभी इतना ज्यादा डरे होते हैं कि उसका कोई भी जवाब नहीं है। इस तरफ जो कैमरा शूटर था वो बिछड़ के दूसरी साइड आ गया होता है। वो छिपने की कोशिश कर रहा था, मगर विक्टर उसके पास भी आकर उसे बुरी तरह से मार देता है। इससे ये पता चलता है कि विक्टर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अब जब बाकी लोग यहाँ से निकलने के लिए भटक रहे होते हैं, तो उन्हें जमीन पर स्पायरो का बैग मिलता है। उसे देखकर इन दोनों मॉडल्स को पता चलता है कि वो कोई डायरेक्टर नहीं था, बस इन दोनों को बेवकूफ बना रहा था। अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही दूरी पर इन्हें स्पायरो की डेड बॉडी मिलती है, जो बुरी तरह से मारा गया था। इसे देखकर ये लोग भी जान गए हैं कि विक्टर क्राउली अभी भी जिंदा है। विक्टर सभी को एक एक करके मार देगा, ये बात भी ये लोग जान गए हैं। इसीलिए बिन एक आइडिया लगाता है कि हम उसके सेट में जाकर कुछ वेपन्स लेंगे, जिससे हम उसे मार पाए और बाद में जला दें। वेपन्स लेने के लिए सेट की ओर बिन और मैरीबेथ जाते हैं और बाकी लोग बाहर ही रुकते हैं। अंदर जाने पर ये जो जगह थी वो काफी डरावनी लग रही थी। बिन कुछ हथियार और यहाँ पर फ्यूल ढूंढ रहा होता है, और तभी मैरीबेथ को इधर उसके पिता और भाई की डेड बॉडी मिलती है। इसे देखकर वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो इन्हें ढूंढने के लिए ही तो यहाँ आई थी। इस तरफ जब बाकी लोग बाहर थे तो उन्हें झाड़ियों से कुछ खरबराहट की आवाज सुनाई देती है। मार्कस पास में जाके देखता है, लेकिन तब तक पीछे से विक्टर आके मिस्टी को पकड़ लेता है, और उसके पास में जो चैनसा था उसकी मदद से उसके मुंह को काटने वाला होता है। लेकिन इधर तब तक दूसरी तरफ से बिन और मैरीबेथ आ जाते हैं। मैरीबेथ विक्टर के सर पर मार के मिस्टी को छुड़ा तो देती है, मगर विक्टर दोबारा फिर से उठ के उसी हथियार से एंड्रयू पर हमला करता है। इस फावड़े जैसे चीज की मदद से वो उसकी गर्दन काट देता है, और फिर मिस्टी को उसी डंडे पर पीठ के बल रख देता है। बाकी लोग भाग के जाते तो हैं, लेकिन ये लोग विक्टर से भाग नहीं पाएंगे। उससे बचने के लिए इन्हें विक्टर को मारना ही होगा। बिन पहले फ्यूल नहीं ला पाया था, जिससे वो फिर से सेट की ओर जाके फ्यूल लाने के लिए जाते हैं। बिन फ्यूल भर रहा होता है, मार्कस और मैरीबेथ बाहर होते हैं, जेना थोड़ा दूर होती है, जिसके बाद में जेना की बॉडी अब उड़ते हुए बिन के पास आती है, और विक्टर भी साथ में अंदर आ जाता है। इनके पास जो भी वेपन था उससे हमला करके अब ये लोग विक्टर को यहीं पर जला देते हैं। विक्टर काफी तेजी से जल रहा होता है, लेकिन किस्मत भी आज शायद विक्टर के साथ नहीं है। इसी टाइम अब यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, और ये तीनों लोग यहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए अब ये तीनों लोग एक ग्रेवयार्ड जैसी जगह पर पहुँचते हैं। विक्टर अब यहाँ पर फिर से आ जाता है, वो इन तीनों पर हमला भी करता है। वो तीनों भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार विक्टर मार्कस को पकड़ लेता है। विक्टर मार्कस के दोनों हाथों को पकड़ कर पीछे से खींच लेता है, जिससे उसकी भी बहुत खतरनाक तरह से मौत हो जाती है। विक्टर अब और भी कुकार हो चुका है। वो दरवाजे में से एक सरिया निकालता है, और इधर जो बिन और मैरीबेथ भाग रहे थे उन पर चला देता है। ये सरिया बिन के पैर में घुस जाती है, और बिन के पूरी ताकत से निकालने पर भी ये नहीं निकल रहा था। विक्टर भी उनकी ओर बढ़ रहा था, जिसके बाद में बिन ये सरिया मोड़ के विक्टर के गले में घुसा देता है। इसे देख के लग रहा है कि अब शायद विक्टर मर चुका है, लेकिन क्या सच में? मैरीबेथ को उसके डैड के यहाँ पर लेक में बोट दिखती है, जिसके बाद में अब दोनों लोग इसी में बैठ कर यहाँ से निकलने वाले होते हैं। दोनों लोग भी यही समझ रहे होते हैं कि वो बच गए, इस बात की इन्हें खुशी भी होती है। लेकिन तभी कोई पानी में मैरीबेथ को खींच लेता है, और मैरीबेथ जब अपने आप को छुड़ा के पानी से बाहर निकलती है, तो बाहर बिन भी लगभग मर गया होता है, और विक्टर अब मैरीबेथ को भी मार देता है। और कोई भी सर्वाइवल के ना बचने के बाद में अब ये मूवी यहीं पर एंड होती है। सो दोस्तों, ये थी 2006 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है हैचेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।